हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निटिंग डिज़ाइन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखें फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये वाला डिज़ाइन ऐसे ऐसे चलता है, जिगजैग की तरह बहुत प्यारा बनेगा। ये 5 और ये 6 फंदों का डिज़ाइन है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6-6 फंदे यहाँ पे चलते हैं इसके पूरे डिज़ाइन में। तो चलिए हम आज इसे बनाएंगे। एफ स्टिच बुन लें, उसके बाद इस वाले एक फंदे को ऐसे, फिर इन 3 फंदों को देखें, इस वाले फंदे से एक इधर से एक यहाँ से, इन 3 फंदों को आगे की तरफ से ऐसे हमें इस सिलाई पे लेना है इनको। ये देखें, फिर से इन 3 फंदों को यहाँ से बैक साइड से लेके आना है और धागा अपनी तरफ 1, 2, 3, 4। ये देखिए, ये 4 फंदे हमें ऐसे बनाने हैं, धागा बैक साइड, इसके एक फंदे को ऐसे बैक साइड ही बनाना है, उसके बाद फिर से इस फंदे को ऐसे। फिर से देखें, ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को सिलाई से उतार लें, आगे वाले 3 फंदों को ऐसे पीछे से, फिर इसी सिलाई पे लें, धागा अपनी तरफ ही रखना है, 2, 3 और ये 4। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे फिर से 5 फंदे बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये फंदा बैक साइड ही चलेगा ऐसे, सेम वैसे ही फिर से। बैक साइड से देखें, बैक साइड से ये ऐसे बनता है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे ही बनाना है।
कंडीशनर दे। अब यहाँ पे मैं 6 सिलाइयाँ बनाऊँगी। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसकी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसे इस तरफ लेके आएंगे। देखें, ये फंदा बुन लें, उसके बाद देखें ये 3 फंदे और ये, इनको पहले हम आगे पीछे की तरफ लिया था, अब हम इन्हें आगे की तरफ से इस तरफ इस सिलाई पे लेंगे और इन फंदों को हम इस सिलाई पे लेके ऐसे एक फंदा बुने, उसके बाद इस वाले फंदे को बैक साइड से ही बनाना है ऐसे, उसके बाद 3 फंदे ऐसे, ये देखिए हमारे यहाँ पे 5 फंदे बन गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से सेम वैसे ही इन फंदों को आगे से और इन 3 फंदों को ऐसे बैक साइड से ऐसे, फिर से धागा बैक साइड, इस एक फंदे को ऐसे, बाकी के सभी फंदों को धागा अपनी तरफ। ये देखें, फिर से 6 सिलाइयाँ बनाएंगे और इसको इस तरफ करेंगे, कुछ इस तरह बन जाएगा आपका डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा बनेगा। ये देखें, आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।